हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विशिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन की ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए गाइज करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, इसको चेक देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, आज न्यू रीडिंग आएगी मेरे न्यू वाले चैनल पर साइकिक टैरो शिवी 888, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, जिसने भी अभी उस चैनल को नहीं देखा है आप देख सकते हैं। गाइस, पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर आपको काफी गाइडेंस मिल सकती है, और आप उसमें, मैं अभी कुछ टाइम में इनर वर्क के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगी मैं वहां पे। सो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? पहली एनर्जी बर्डन की मिली है गाइस, तो आज के दिन में किसी तरीके का बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ बर्डन, या तो नया बर्डन कोई आया है, या फिर पास्ट का कोई बर्डन लेकर ये पर्सन चल रहे हैं, लेकिन आज के दिन में बड़े ही थके हुए नजर आते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे मुझे ये किसी इंसान का बोझ इस पर्सन के ऊपर दिखाई देता है। ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई और इंसान हो सकता है, लेकिन आज के दिन में ये पर्सन मुझे काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आई लेटर निकल कर आया है गाइस। ठीक है, आई लेटर है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका मैनिफेस्टेशन इस तरीके का है गाइस कि ये चीजों को विजुलाइज करते हैं अकेले में बैठकर। मतलब जैसे आपने एक सोचा होगा कि एक एक जो मैनिफेस्टेशन होता है जिसमें आप चीजों को विजुलाइज करते हैं कंटिन्यूस वे में। ठीक है, तो वो उस तरीके का मैनिफेस्टेशन मैं इस पर्सन को करते हुए देख रही हूँ आज के दिन में। बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनको कुछ समय के लिए अकेला बैठना आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ज्यादा समय अब लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अगर ये फ्री होते हैं अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, या फिर जो भी काम ये करते हैं उस चीज से, तो ये अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी ऐसी है गाइज इस पर्सन की कि ये अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा विजुलाइज करते हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट है गाइज इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग। मतलब ये अभी जो जो भी आजकल ये कर रहे हैं उसमें एंजल्स का सपोर्ट इसीलिए भी लग रहा है। मुझे लगता है गाइज ऐसे वीडियोस इस पर्सन के सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें इस पर्सन के सामने आ रही हैं जो इस पर्सन को काफी हिंट कर रही हैं आपसे रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मैं एंजल्स का पूरी तरीके से हाथ आपके पर्सन के ऊपर देख पा रही हूँ। यहाँ पर वी लेटर बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन काफी जिगजैग मोड पर चल रहे थे बहुत लंबे टाइम से, यानी कि कभी इस पर्सन को ये लग रहा था कि ऐसे जाना है, कभी लग रहा था ऐसे जाना है, लेकिन चीजें काफी हद तक स्टेबल हो रही हैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए। ठीक है, इस पर्सन को गाइस आपको लेकर एक अलग ही तरीके का जुनून इस समय मैं देख पा रही हूँ। मतलब कहने का ये है कि जैसे बाकी सारी चीजें ये पर्सन मैनेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज पर आके जब अटकते हैं तो वो हो आप। ठीक है, वहां पर जैसे ना कि सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है इस पर्सन की, समझ में नहीं आता है कि अब यहां से क्या बोला जाए। ठीक है, मतलब यहां से क्या बोला जाए,
तो ये इस पर्सन की एनर्जी है, जब वो आप पर आकर उनकी गाड़ी अटकती है या फंसती है तो उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ इस पॉइंट पर आकर क्या डिसीजन बनाया जाए, क्योंकि ना तो अच्छा ही डिसीजन बनाते बनता है इससे, ना बुरा ही डिसीजन, मतलब अच्छे डिसीजन से मतलब है कि आपकी तरफ आते भी नहीं बनता है, और जब आपके बारे में सोचते हैं तो आपसे दूर जाते भी नहीं बनता है, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा है। सो जब भी मैं ये बोल रही थी कि यहाँ ना इस तरफ आते ही बनता है ना जाते ही बनता है, तो ट्राइंगल दिखाई दिया है, तो यहाँ पर मुझे ट्रायो दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ट्रिकरी का ट्रिकरी की एनर्जी मिल रही है, यानी कि इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा लगता है गाइस कि आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट इंसान हो और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, यू नो आपका कोई एडवांटेज ना ले ले। देखिए इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया इस पर्सन के इंटेंशंस आपको हर्ट करने के नहीं थे, आपके साथ गलत करने के नहीं थे, लेकिन इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इतने इनोसेंट इंसान हो कोई और आकर आपका यू नो एडवांटेज ना ले ले, आप बहुत सीधे हो, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप बहुत सीधे भोले भाले मासूम इनोसेंट लगते हो गाइस, तो ये पर्सन को लगता है कि कहीं कोई आपका एडवांटेज ना ले ले, आप खुद को कैसे संभाल रहे होगे, ठीक है। सो मतलब एक फिकर वाली एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन आपकी फिकर भी करते हैं, आई मीन आज के दिन में कर रहे थे। यहाँ पर ओ लेटर मुझे नजर आ रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पर ओ लेटर है, यहाँ पर यू नो एक एनर्जी जो मुझे और दिखाई दे रही है, जैसे जैसे यू नो मिरर की एनर्जी है गाइस, मुझे मिरर यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर यू नो जो मैसेज क्लिक हुआ इससे वो ये है गाइस कि ये अपना पास्ट देख रहे थे आज के दिन में, ठीक है, कहने का मतलब है कि पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजों पर ऐसे मिट्टी डालने की कोशिश की है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो जाती है ना गाइस तो हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसको हम शैडो शैडो साइड बोलते हैं ना, अपनी डार्क साइड, ठीक है, वो यही तो होती है। आपने कोई चीज किया, कोई काम किया या आपके साथ कुछ हुआ, आपने उसको क्या किया, समाज को दिखाने के लिए अपनी अपना जो आप रियल में नहीं है आप वो नहीं दिखाते हैं, आप वो चीज दिखाते हैं जो समाज देखना चाहता है, सो आप अपनी उन चीजों को क्या करते हो, हाइड कर लेते हो, सप्रेस कर लेते हो कि नहीं ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, जो आपका डार्कर साइड है, ठीक है, और आप अपना लाइट साइड बाहर दिखाते हो, हमेशा अच्छा ही अच्छा लोगों को दिखाते हो ताकि आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करें, वही हमारा जो हम नहीं दिखाते, जो हमारे अंदर एक्चुअल में है भी, जिसको हम बोलते हैं शैडो, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी शैडो देखने की कोशिश कर रहे थे आज के दिन में कि जो जो भी इनके साथ हुआ है और जो जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनका डार्कर साइड है, जो समाज से लोगों से छुपा हुआ है, सिर्फ इनको पता है, इनके अलावा किसी को नहीं पता है, उस चीज पर ये फोकस बनाते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के लिए मुझे ये चीज नजर आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जिनको ये मतलब लेट गो कर सकते हैं एक बार को, जिनको जिनसे ये दूर भी जा सकते हैं, जिनसे ये डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, फिजिकली ये जितना चाहे आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन जैसे यू नो मैसेज ये मिल रहा है कि जैसे हार्ट के सेंटर में ही आप बसे हुए हो गाइस, तो मतलब ये आपसे फिजिकली डिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है, एक बार को ये मेंटली भी डिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन इनके दिल में अगर ये चाहे आपसे डिस्टेंस को मेंटेन करना तो इम्पॉसिबल है, ये आज के दिन में ऐसा सोच रहे थे कि मतलब यहां से तो मतलब बाहर खींच के भी निकाला जाए तो पॉसिबल नहीं है दिल से, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर आज के दिन में है। इस पर्सन का जो माइंड है गाइस, मुझे बहुत यू नो ऐसी एनर्जी ऐसी वाइब आ रही है कि इस पर्सन का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा तेज चलता है, ठीक है,
मैं ये कह सकती हूँ कि लॉजिक लगाने में इस पर्सन से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता इसके पूरे खानदान भर में। इतना ये लॉजिकली सोचते हैं और काफी जैसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ये आपके सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनके दिल पर किसी ने शीशा जिसने जैसे इनके दिल पर किसी ने टॉर्च लगा दी, ठीक है। जैसे इनके जो दिल में जो फीलिंग्स है उस पर किसी ने आईना दिखा दिया इनको, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। कहने का मतलब है गाइस कि बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा दिमाग से डिसीजन लेते हैं, लोगों को देख कर डिसीजन लेते हैं, दिखावे में डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब भी आपके सामने आते हैं ना तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे ना दिल से बात, यहाँ ना दिमाग से बात चलेगी, ना यहाँ पर लॉजिक्स चलेंगे। मतलब लॉजिक लगाने का इस पर्सन का आई थिंक मन ही नहीं होता है, ऐसा ही पर्सन आज के दिन में सोच रहे थे। क्योंकि जैसे आप इनके दिल में जो छुपा है ना उस पर सीधे लाइट लगाते हो, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है गाइस, जब भी आपसे बात करते हैं और आप इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो इनके लाइफ में, इनकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, ये सब आपसे शेयर कर देते हैं। और ये चीज इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है, बिकॉज मैंने कहा ना ये जैसे ये पर्सन बहुत लॉजिक्स लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो ये जल्दी से खुलकर अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे। सो ऐसी एनर्जी है गाइस कि ये शायद आपके साथ कर देते हैं। ऑल्सो गाइज मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में ये उस समय को याद कर रहे थे जब आप दोनों की लड़ाई हुई थी, जब आप दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, क्योंकि मुझे एक इमेज दिखाई दे रही है दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उस दिन को याद कर रहे थे जब आप दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। मतलब कहने का ये है कि आपकी फाइटिंग को भी आज के दिन में ये पर्सन याद कर रहे थे। आज के दिन मुझे लगता है गाइस काफी हद तक इस पर्सन ने आपको देखा है। और जैसे ऐसा लगता है इस पर्सन को जब आप दोनों आमने सामने खड़े होकर लड़ाई करते हो कि आप और ये एक ही तरीके से लड़ते हैं, मतलब दोनों का गुस्सा सेम हो सकता है या फिर दोनों ही नहीं झुकते लड़ते समय, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके लिए फील हो रही है गाइस, ठीक है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लड़ाई करते समय आप शायद दोनों ही नहीं झुकते हैं, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर बराबर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठीक है। मतलब इसी की तरह, इसी पर्सन की तरह आप हो सकते हैं झगड़ने में, लड़ने में, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपको लेकर। मुझे मुझे यही दिखा मुझे यही दिखाई दे रहा है आज के दिन में। ये अपनी मदर के काफी ज्यादा करीब हो सकते हैं, मॉम के काफी ज्यादा करीब हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक मदर की एनर्जी यहाँ फील हो रही है। माँ की, अपने पापा से ज्यादा आई थिंक ये अपनी माँ की बात सुनते हैं, मदर की बात सुनते हैं। मदर का जो रोल है इस पर्सन की लाइफ में वो काफी स्ट्रांग हो सकता है गाइस, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि ये खुद ही मदर हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मदर से काफी ज्यादा इस पर्सन का रिश्ता स्ट्रांग है। ये पर्सन गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले इंसान भी दिखाई देते हैं। मतलब इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये जल्दी से किसी की भी बात को मैं आज के दिन में देख रही हूँ गाइस, जैसे मुझे एनर्जी फील हुई है, ये पर्सन झुकते नहीं है जल्दी से। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे कई बार आप लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसे फील होती है कि ये पर्सन झुकते नहीं है, गुस्सा इस पर्सन को बहुत ज्यादा आता है और बहुत ही स्ट्रांग। मतलब जैसे कोई लड़ाई करने पे आ जाए तो ये झगड़ने में लड़ने में माहिर ही है, एक दो हाथ लगा भी देंगे या लगा भी देंगी, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब काफी काफी मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं और डरते नहीं है, निडर है काफी ज्यादा झगड़े के मामले में, ठीक है, एक्शन के मामले में नहीं गाई, झगड़े के मामले में। चलिए गाइज अभी हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है। ओके प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, स्टार और चैरियट। ओके तो यहाँ कुछ और मैसेज भी निकल कर आए हैं गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
फोर ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम से है गाइस एट ऑफ कप्स। ओके क्या क्या यहां पर मैसेज है गाइस? ठीक है, सो देखिए यहां पर मैसेज आ रहा है कि ये जो पर्सन है काफी ज्यादा यू नो स्टेबल और काफी ज्यादा कमिटेड इस पर्सन की एनर्जीज रहती हैं मोस्टली। लेकिन अभी क्या है मुझे यहां पर ये नजर आ रहा है गाइस, यू नो ये पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यू नो या तो गाइस इस पर्सन की फैमिली में काफी यू नो इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज स्टार की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पर कुछ हीलिंग चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर्सन को एक्शन लेना है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है गाइस आप लोगों को लेकर, चैरियट विथ नाइन ऑफ वैंड्स, कि जैसे चैरियट होता है गाइस जो अपने जीवन की कमान अपने हाथ में रखता है। ठीक है, जैसे आपने घोड़े देखे होंगे, ठीक है, तो घोड़े पर जो आप घोड़े को जब आप चलाते हो तो कमान जो है वो आप ही के हाथों में रहती है। ठीक है, तो वो जीवन का रथ उस तरीके से समझिए, जैसे कि यू नो यहाँ पर नहीं दिख रहा, सो इसी तरीके से। तो मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है इस पर्सन को कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यू नो थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रांग डिसीजन बनाने का टाइम आ रहा है। जैसे यू नो इनको एक चीज समझ में आ रही है कि यार आने वाले समय में मुझे अपनी डर को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डर से सामना इस पर्सन का होने वाला है, इस पर्सन के इंट्यूशन इसको ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि अब जो लाइफ का चार्ज है वो अपने हाथों में लेना होगा। अगर अभी तक ये पर्सन यू नो फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे या फैमिली के हिसाब से डिसीजन ले रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू नो आने वाले समय में इनको फोर्स किया जा रहा है कि अब ये जो डिसीजन है वो खुद के हिसाब से बनाए। ठीक है, तो मुझे ये एक यूनिवर्सल टेस्ट इस पर्सन के लिए नजर आता है गाइस। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है, इस पर्सन ने अपनी फैमिली की सारी बातें मानी है, ठीक है, और सारी विशेष मानी है, लेकिन अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो डिसीजन बनाना है वो खुद से बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर अब इनको ऐसा नहीं है कि यू नो फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेना है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें ये पास्ट में जाकर आज के दिन में देख रहे थे जहां इनसे गलती हुई है, शैडो साइड। ठीक है, तो जब शैडो साइड उन्होंने सप्रेस कर रखी है तो उन्हें वो शैडो साइड पर काम करना पड़ेगा, यानी कि जो भी गलतियां हुई है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है। सो काफी डरे हुए हैं कि अब जीवन की बागडोर खुद के हाथों में आने वाली है, क्योंकि गाइस अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया था और ये करना नहीं चाहते थे, इट मींस कि इन्होंने ये डिसीजन जो लिया था वो अपने किसी ना किसी के फोर्स करने पर लिया था, या फिर इनके अपनों ने इन्हें फोर्स किया था, या फिर इन्होंने करियर की वजह से किया था, जिसकी वजह से भी इन्होंने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, जिस भी चीज के चलते इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया था। और गाइस अगर आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है, और यूनिवर्सल कनेक्शन है आपका, ठीक है, यूनिवर्स ने आपके कनेक्शन को सपोर्ट किया है, ठीक है, आप किसी डिवाइन जर्नी का अगर पार्ट हैं, तो फिर यहां पर डेफिनेटली इस पर्सन को ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि इन्होंने अगर मूव ऑन किया था तो इस बार इनको उस चीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज मुझे नजर आ रही है। ऑल्सो थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यू डेफिनेटली है, तो हो सकता है कि यू नो इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि अब एक्शन उसके अगेंस्ट में भी लेना है। तो यू नो पास्ट की चीजों पर आज के दिन में इस पर्सन का बहुत ज्यादा ध्यान था और ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यू नो फैमिली को, अपने करियर को, हर चीज को बैलेंस करके चलें। और ये जैसे मैं कह रही हूँ ना कि प्रिपरेशन होती है ना गाइस, ठीक है, वो प्रिपरेशन के मोड पर मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। जैसे इस पर्सन को हिंट मिल रही है कि कुछ आने वाले समय में कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं गाइस, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, तो जब स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट आप होते हो गाइस, तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, आप अपनी हर नेगेटिविटी पर खुद ही काम कर लीजिए। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है तो उस पर आप खुद ही काम कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसको आप खुद ही रिलीज करते जाइए। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होता है। 3D मैट्रिक्स में जब यूनिवर्स आपकी टेस्ट
करते हैं ना, तब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है चीजों को रिलीज करना या फेस करना। इससे बेटर है कि आप स्पिरिचुअल वे में चीजों को कर लें। अगर आप मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर आपको फियर लगता है, बहुत डर लगता है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। ठीक है, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू फियर को दूर करने की कोशिश करें, सेल्फ लव करें, और जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनर वर्क के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूंगी अपने दूसरे चैनल पर। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कैसे करना है, सिंपल वे में बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजें नहीं बताती कभी भी, मैं सिंपल शब्दों में बात करती हूँ जहां लोगों को समझ में आए। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें वो सिर के ऊपर से जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को सिखाया जाएगा। अगर ये पर्सन ये सब नहीं जानते या फिर स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ये पर्सन क्या करेंगे कि इनको इनके डर से जैसे सामना करवाया जाएगा। जिस चीज से ये डर रहे हैं वो चीज सामने आएगी, तो फिर वो फेस करनी पड़ेगी। और एक होता है कि डर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बिठा लें कि आई एम फियरलेस, तो आप क्या हो गए, अंदर से बहुत पावरफुल हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो अब आपको उन चीजों से उतना डर नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये चीजें मुझे इस पर्सन की तरफ से नजर आ रही है। गाइज, आपसे रेजोनेट करे तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैम हमसे हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उस चीज को फेस करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट रहे हैं गाइस, बचपन से अभी तक की आप अपनी जर्नी देखिएगा, आपको अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो चीजें कहीं ना कहीं होती ही होती हैं आगे आने वाले समय में। अगर आपसे ये चीज रेजोनेट कर रही तो सबके सब जितने लोग भी सुन रहे हैं, यहां तक पहुंचे हैं रीडिंग को, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि उन्हें करना क्या है नेक्स्ट वीडियो में। इनर पीस, यिन यांग, यहाँ पर मुझे एक वाह, तो मैं कह रही थी गाइस, जैसे मैं आपसे रीडिंग में बोल रही थी बिल्कुल कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही आ गए। मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट्स हैं गाइस, और कुछ ट्विन के साथ डील कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि इस पर्सन को कहा जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि आप जाएं वहां पे, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन होने वाला है गाइज, यहाँ पर एक्शन होने वाला है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो ये पर्सन को अभी फिलहाल थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इस डर पर काबू पाएंगे, बिकॉज यहाँ भी 11-11 की एनर्जी थी। ठीक है, और ये एक स्टेबल कमिटमेंट और स्टेबल ऑफर आप तक पहुंचने वाला है गाइज। मतलब 4-5 दिन हो गए लगातार ऐसी ही एनर्जीज को देखते देखते, तो बड़ी खुशी सी हो रही है, बिकॉज यहाँ भी यिन यांग की ऊर्जा है गाइज। ठीक है, यहाँ भी मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी है। वाओ, आपको इस समय में फेदर्स दिखाई दे रहे होंगे, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट फेदर्स दिखाई दे रहे हों, चाहे व्हाइट फेदर्स दिखाई दे रहे हों, या फिर आपको कपल दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, या फिर आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी कपल में। ठीक है, या फिर आपको बटरफ्लाईज दिखाई दे रही होंगी कपल में, लेकिन आप देखिएगा आपको मोस्टली कपल दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कपल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पर ये है सॉन है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर दो हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ये एनर्जीज ऐसी लग रही है कि फंटास्टिक। यहाँ भी देखिए कमिटमेंट का कार्ड है, सो इसी कमिटमेंट के लिए जैसे यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है कि चलो हो गया समय, पहुंचो अपनी अपनी जगह पर, लाइफ पर्पस। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस पर्सन का लाइफ पर्पस भी मिल चुका है। ठीक है, और ये डेफिनेटली या तो सोलमेट्स की जर्नी है, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आज की रीडिंग, और ये मुझे 3-4 दिन से दिखाई दे रही है। सो डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं आपके, ठीक है, उनके साथ आपका रियूनियन बहुत नजदीक नजर आता है। हो सकता है कि दिसंबर तक आप लोगों का रियूनियन हो जाए, और जितने भी मैरिड कपल्स हैं या फिर जितने भी सिंगल्स हैं उनकी शादी हो जाए। सो हरी की कृपा है, महादेव की कृपा है, सब पर बनी रहे। सो मुझे यहाँ पर ऐसा ही नजर आ रहा है गाइस की मैरिज है, शादी है, रियूनियन है। यहाँ पर 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, कंफर्म करेंगे गाइस। अब तो मुझे आराम ही ना पड़ेगा बिना कंफर्म करें। शैडो, मैंने कहीं ना कहीं शैडो के बारे में शायद कैंडल में बोला भी था। ठीक है, चैरियट एंड सन, ओके, सो डेफिनेटली ये चीज हो रही है गाइस, कंफर्मिटी है, यहाँ पर कंफर्म हो रहा है ये चीज। ठीक है, और शैडो, तो डेफिनेटली इस पर्सन को, इस पर्सन की शैडो समझ में आ रही है। मेजर अर्काना क्या बताता है, एम्परर, यहाँ भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। वाओ, मून
शैतान, शिव शक्ति, वाओ, और यहाँ पर एम्प्रेस। अब तो ये तीन तीन डेक बता दिए, यहाँ पर शिव शक्ति है, यहाँ एम्परर एम्प्रेस है। गाइस ये डिवाइन कपल की एनर्जी है, यहाँ पर रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी दिसंबर में काफी सारे लोगों का, और काफी अच्छी रीडिंग ये निकल कर आई है। सो गाइस क्लेम जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को, देखते हैं कौन लकी वंस होने वाले हैं वो, ठीक है, किनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से उनके काउंटर पार्ट के साथ मैरिज करने का या मैरिड लाइफ ठीक करने का। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, सितंबर मंथ है, वाओ, एन लेटर है, एवरेज हाइट, इस पर्सन की हाइट एवरेज हो सकती है, वी लेटर है, नाइन नंबर है, वाओ, एरीज एरीज एरीज, वाओ, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस होने जा रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सन जितने पॉज थे वहां से निकल रहे हैं, जी लेटर है यहाँ पे, जेमिनी है, यहाँ पर के लेटर है एंड डार्क स्किन, इस पर्सन की स्किन आपसे डार्क हो सकती है, यहाँ पर थ्री नंबर है। लेट्स सी ये मैसेज क्या देंगे आपको। I tried to run from this connection, but my soul craves you. So ये person कहीं ना कहीं आज के दिन में ये सोच रहे थे कि आपसे भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन इनकी soul को आप ही चाह, इनकी soul को आप ही की चाहत है, काफी important है। The truth you speak is like a breath of fresh air for others. So आप जो भी सच बोलते हैं वो लोगों के लिए यू नो काफी ज्यादा fresh होता है, मतलब आप लोगों की मदद करते हो, basically ऐसा message ये दे रहे हैं। I want to take you out on a romantic date. Okay, so ये person आपको date करना चाहते हैं। You are one in a million, no one can match you. So आप million में एक हैं, आपको कोई match नहीं कर सकता। Your mission is to put yourself first. आपके person कह रहे हैं आपका mission ये है कि आप खुद को पहले रखें। I love spending time with you. So, इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, जरूर मैनिफेस्ट करें, ओके। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।